नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। पूर्व विश्व नंबर एक साइना नेहवाल को ट्रायल के लिए बुलाया गया है, जो बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 के लिए 14 सदस्यीय भारतीय टीम का चयन करने के लिए आयोजित किया जाएगा। चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे 2 और 3 जनवरी को, जबकि चैंपियनशिप 14 से 19 फरवरी तक दुबई में आयोजित की जाएगी। लंदन 2012 ओलंपिक पदक विजेता नेहवाल इन दिनों अच्छे फॉर्म में नहीं है, क्योंकि वह 14 में से 13 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह नहीं बना सकी। 2022 ओलंपिक कॉम के अनुसार बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर पर साइना नेहवाल की आखिरी टूर्नामेंट जीत 2019 में वापस आई, जब उन्होंने फाइनल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कैरोलिना मारिन को हराकर इंडोनेशिया मास्टर का खिताब जीता था। वह VWF के शीर्ष 20 से बाहर हो गई। उस वर्ष 9 वर्षों के बाद पहली बार विश्व रैंकिंग ली थी। इसके बाद से भारतीय बैडमिंटन स्टार्स की रैंकिंग लगातार गिरती जा रही है। अब वह अभी मौजूदा रैंकिंग में 31वें नंबर पर हैं। वह चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए आगामी सितारों मालविका वनसोड़ और आकर्षी कश्यप के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगी। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ में।